और देम मतलब वो दोनों के लिए. सो हियर विच वर्ड विल कम? यस, देम विल कम. टी एच ई एम, देम. नाउ नेक्स्ट, आई फाउंड अ गोल्ड ब्रेसलेट ऑन द रोड. आई डोंट नो वॉट टू डू विथ. अभी यहाँ पे गोल्ड ब्रेसलेट क्या है? एक चीज़ है ना. सो फॉर थिंग विच वर्ड वी विल यूज? यू हम तो सामने वाले के लिए यूज करते हैं. नो, हिम लड़के के लिए, हर लड़की के लिए. सो विच वर्ड विल कम? इट. आई टी इट. नाउ नेक्स्ट, माई सिस्टर एंड आई लव सैंडविचेस. मदर मेक देम फॉर डैश एवरी डे. अभी मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है ना, तो हम दोनों के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? यस, अस. नाउ सी द होल सेंटेंस. हियर वी हैड यूज्ड ऑल द वर्ड्स, राइट? नाउ कम टू द पेज नंबर 23. सी सिक्स्थ क्वेश्चन. सारा बॉट अ गिफ्ट फॉर मैगी, शी विल गिव. अभी यहाँ पे गिफ्ट चीज है ना, सो विच वर्ड वी विल यूज? इट. और वो किसको दे रही है? सामने वाले को दे रही है, राइट? तो सामने वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू, वाई ओ यू, यू टू नाइट. नाउ रीड द फुल सेंटेंस. सारा बॉट अ गिफ्ट फॉर मैगी, शी विल गिव इट टू यू टू नाइट. सारा ने मैगी के लिए गिफ्ट लाया और वो तुमको आज देगी. आई लॉस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई लॉस्ट मयंक्स फुटबॉल. आई टोल्ड डैश आई विल बाय हिम अनदर वन. मयंक ने क्या खो दिया है? फुटबॉल खो दिया है. तो मैंने उसको क्या बोला है? अब ये लड़के के लिए हम बोल रहे हैं ना, मयंक इज अ बॉय. सो इंस्टेड ऑफ हिज नेम विच वर्ड वी कैन यूज? यस, हिम. नाउ रीड द होल सेंटेंस. आई लॉस्ट मयंक्स फुटबॉल. आई टोल्ड हिम आई विल बाय हिम अनदर वन. नेक्स्ट, एट वन. द थीफ रैन अवे फ्रॉम जेल. चोर जेल से भाग गया. द पुलिस आर लुकिंग फॉर डैश एवरीवेयर. द थीफ, थीफ इज अ मैन. ओके, सो फॉर मैन विच वर्ड वी कैन यूज? हिम. सो विच वर्ड विल कम हियर? हिम, एच आई एम, हिम. नाउ रीड द सेंटेंस. द थीफ रैन अवे फ्रॉम जेल. द पुलिस आर लुकिंग फॉर हिम एवरीवेयर. नाउ नेक्स्ट, जानवी एंड कोयल वर हंग्री. ये दोनों क्या है? हंग्री है. एंड आई गेव डैश सम केक. अभी केक इज अ, अभी यहाँ पे मैं नहीं हूँ ना, जानवी और कोयल है, वो दो हैं. तो उन दोनों के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूँगी? यस, देम. अगर जिसमें हम होते उसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अस. जिसमें हम नहीं होते उसमें हम क्या यूज करेंगे? देम. दिस इज नॉट माई कोम्ब. अभी कोम्ब यहाँ पे क्या है? चीज है ना. सो विच वर्ड विल कम हियर? यस, इट. आई टी इट. इट इज माई मदर्स. ये मेरी कंघी नहीं है, मेरी मम्मी की है. क्लियर?